राम राम बिसारा ने। और आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। आज लेंगे हम थाई का वर्कआउट। तो थाई के वर्कआउट के अंदर में भाई पहले मैं लूंगा, आज रिवर्स वर्कआउट करेंगे हम। जितना वर्कआउट करेंगे वो रिवर्स फॉर्म में करेंगे हम। जो भी वर्कआउट करते हैं हमारी मसल बहुत जल्दी हैप्चुअल हो जाती है किसी भी चीज की। तो हर 4 से 5 हफ्ते में, मतलब मैं 3 से 4 हफ्ते में एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि जिससे वो हैप्चुअल ना हो उसको, उस मसल्स को, मतलब एक सेम प्रेशर मिल रहा है, एक सेम किक मिल रही है, उससे डिफरेंट देने के लिए। तो आज करेंगे हम फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट से लेके शुरुआत, इन द बिगिनिंग। तो हम करेंगे अंत में, शुरुआत करते हैं आज हम काव्स से। काव्स लेंगे पहले, उसके बाद लेंगे फिर हम हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग के बाद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद लेग प्रेस, लेग प्रेस के बाद स्क्वाट। तो करते हैं शुरुआत। जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल पर मदद कर दियो, लाइक शेयर सपोर्ट कर दियो, और जिम वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी आपको, ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते रहेंगे, तो देखिएगा आप। थैंक यू सो मच। सो भाई दोस्तों, पहला वर्कआउट काव्स का और वार्म अप में ले चुका हूं। तो मेजर सेट एंड अगेन 2 3। बहुत प्यारा वर्कआउट है यार। अगर आपकी जिम में मशीन नहीं है ना, तो आप वैसे भी सिंपल बेंच पे बैठ के और प्लेट्स रख के आप अपने थाइज पे और जब कर सकते हो, या स्टैंडिंग काफ रेज कर सकते हो। काफ से आज शुरुआत कर रहे हैं, एंड करेंगे हम फाइनली स्क्वाट पे, जहां लोगों से लगनी बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता वहां करेंगे स्क्वाट। वो मूवमेंट करेंगे जो पहले लोग भाग लेते हैं क्योंकि बहुत टफ है, लेकिन टफ को लेंगे लास्ट में, मसल को मिलेगा एक डिफरेंट काइंड ऑफ किक और ऐसे ही बनेगी बॉडी। तो मेरे भाइयों, अब आ चुके हैं हम सेकंड वर्कआउट। तो सेकंड वर्कआउट में लेंगे हम हैमस्ट्रिंग, और बहुत इफेक्टिव वर्कआउट हैमस्ट्रिंग के लिए। अगर आपके पास जिम में मशीन नहीं है हैमस्ट्रिंग की, तो आप डंबल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, वो एक दिन मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगा कि एक्सरसाइज के अल्टरनेटिव जिनके पास मशीन नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। चलो जी, करते हैं शुरुआत फर्स्ट वर्कआउट की। और 1 2 3 4, बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। आपको फोकस करना है और हर वर्कआउट में आपको महसूस करना है, सारा खेल है दिमाग का। अगर आपका दिमाग, ध्यान एक जगह केंद्रित है, तो बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। सब तो बड़ा ट्रेनर आपके यहां है, यहां फोकस एंड पेशेंस। तो भाई ईव लेवेंगे लेग एक्सटेंशन, और लेग एक्सटेंशन के मैंने आपको कहा था कि फाइनल सेट में मिलते हैं। तो दिस इज द फाइनल सेट, और मजा आवा भाई लेग एक्सटेंशन वर्कआउट में भी। थोड़ा वेट बढ़ा के ड्रॉप करेंगे खुदे। 1 2 3 4 5 6 7, 2 प्लेट डाउन एंड अगेन 1 2 3। बहुत प्यारा वर्कआउट है, इसको ऊपर लाके यहां होल्ड करना है स्लोली डाउन। बहुत दर्द हो गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, जाम हो गया भाई सब कुछ। तो वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है। माइक भी पड़ गया भाई, माइक पड़ गया भाई। इसके बाद लेंगे हाई मैन, अब ब्लड फ्लो बढ़ा के अब लेंगे लेग प्रेस। और देखो मुकुल भाई ने 1 प्लेट तो डाल दी एक तरफ, और एक तरफ नहीं डाली, तो ये मरवाएगा मुझे, कहीं इंजरी ऐसी जगह बैठाएगा कि डॉक्टर भी बोल देगा इतना आंगा बांगा होगा, कितना आ गया तू। तो चलो भाई लेग प्रेस लेते हैं, द बेस्ट वर्कआउट। एंड दिस इज सेकंड सेट। पांच, 6 7 8 9 10। कभी भी इसको पूरा सीधा नहीं करते, यहां से जॉइंट टूटने की संभावना ज्यादा रहती है, हमारे लिगमेंट्स पे एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। तो ये पोजीशन, नाउ रिलैक्स। इसके बाद लेंगे हम, आज इतना ही वेट कैरी करेंगे, चारों सेट इसी से लेंगे, और इसके बाद हम बढ़ते हैं स्क्वाट की तरफ। और स्क्वाट फाइनल होगा, स्क्वाट के बाद में फिर घर से भी कॉल आ रहा है, अर्जेंटली जाना है, फटाक से निकलते हैं। तो भाई आप आ गए आखिरी सेट की तरफ, थाई का वर्कआउट स्क्वाट के अंदर आ गए। मैं अगेन आपको बताऊंगा कि हमारी बॉडी ना हैप्चुअल हो जाती है एक तरीके के वर्कआउट की, तो उसको डिफरेंट तरीके का किक देने के लिए मैं ऐसा अप्लाई करता हूँ। अब साइंटिफिकली कितना बढ़िया कितना नहीं भाई, वो थारी मर्जी है, सोचो ना सोचो, लेकिन
चार हफ्ते अगर किसी भी चीज को करते हो तो एक बार एक हफ्ते के लिए शेड्यूल चेंज करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम करते हैं स्क्वाट, और स्क्वाट के अंदर लेंगे हम डीप स्क्वाट लेंगे। आ जाओ, लास्ट ले रहे हैं जो लोग पहला ले, लेकिन आप कितने ही वर्कआउट कर लो, हैक स्क्वाट कर लो, कुछ भी कर लो, जो कंधे पर रोड़ा हो ना भाई, उसका मजा कितना भी गुना। शोल्डर की ब्रॉडनेस पे पैर एंड करने, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, ट्रैप से नीचे रॉड लेके जानी है, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले 8, और उसके बाद इसका लेंगे हम, ये दूसरा सेट था, तीसरा और चौथा और लेंगे। घर से फोन आ रहा कंटिन्यू, तो जाना पड़ेगा। टाइम देखो अब तकरीबन 1 बजे का टाइम हो जाएगा, घर पे जाना भी जरूरी है, घर के भी काम हुआ तो अर्जेंटली जाना पड़ेगा। तो वर्कआउट शाम को कार्डियो लूंगा। तो आज की वीडियो का करते हैं एंड, लते तारे बिना एंड हो नहीं सकता, तो मिलते हैं अपनी वाल पे। तो भाई फाइनल टाइम आ गया, बिना लते तारे तो आपके भाई का दिन पूरा हो नहीं सकता। अब आप बताओ कुछ बढ़ रहा है घट रहा है कुछ? ओए ना टक्कर में, जय बाबा की।